हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में। रात के 8 बज चुके हैं, मेरी सब्जी बन रही है। आज मैं बना रही हूँ आलू काले चने की सब्जी। ये प्याज कट कर रही हूँ इसलिए आंखों में थोड़ी सी लग रही है। तो आज मेरा मूड बहुत ऑफ रहा है, अब बताती हूँ क्यों रहा। और जैसे मेरे मकान के पीछे एक छोटा सा लॉन है, तो आज दोपहर में मैं लॉन में गई ऐसे टहलते टहलते, तो धूप थी और तो देखा कि 3 बच्चे लॉन में छोटे छोटे से, इतने बड़े बड़े से पड़े बच्चे हैं। और कुछ ही दूरी पे उनकी माँ भी थी, शायद माँ ही रही होगी, वो भी मरी पड़ी हुई थी, उसे भी किसी पंछी ने ही मार दिया होगा। और बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे और बच्चे जीवित थे। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को ले आते हैं। तो फिर मैं बच्चों को अंदर लेके आई और फिर उन्हें गूगल से सर्च करके क्या खिलाना है क्या पिलाना है, और उन्हें कॉटन बर्ड में और ऐसे रख दिया और उसमें वो डाल दिया, एक बाउल में कॉटन बर्ड रखा, उसमें बैंडेज ऐसे घोंसले की तरह बना के उसमें वो रख दिया, तीनों बच्चे रख दिए। बच्चों को जो भी खिलाना पिलाना था वो खिलाया और बच्चे सो रहे हैं अभी। तो पर एक मन में एक अजीब सी शंका सी बनी हुई है कि क्या होगा, बच्चे बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो सारा दिन तो मैं उसी में लगी रही, बहुत परेशान थी। ये आए दिन हमारे वहाँ ऐसा होता ही रहता है, लॉन है, लॉन में घोंसले हैं, तो वो कुछ कुछ महीनों पे, 3 महीने पे, 4 महीने पे वो गिरते ही रहते हैं बच्चे। तो कुछ तो बच जाते हैं, फिर से उड़ जाते हैं, माएँ ले जाती हैं, और कुछ नहीं बचते हैं। तो वही सब चल रहा है मन में, तो सोचा मैं आपसे बात करती करूं इस टॉपिक पे, थोड़ा मन हल्का होगा।